वीरभद्र सिंह बहुत अपार महिमा। मुझे दिन अनुभव कली प्रभु पाखे बसता है कोरोना टाइम एकुटिया बसी थाए ठाकुर फूल फूल सजे बस प्रभु बाट मंगल शुणिली फेसबुक देखिली बाट मंगल फूल खसिले आरतराण बाबा देखुन मंगला पाखु फूल खसी प्रभु तुम्हार जब गोटे फूल खसंदा संसार सारा देखा तुम फूल खसंदानी अध घंटा बसला बेले मुझ देखिली मत कहीं मो झी पूरा मन दुख आसे प्रभु कौन खसिले शुणिलानी अध घंटा पर फूल पूरा अटोमेटिक फूल ठाकुर मुझे खसला मुझे पूरा मैंने भावबिल हो पारि जहाँ प्रभु ठाकुर बहुत महिमा आई दिन ठीक भावे नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम चाहू कटक जिलार महांगा ब्लक अंतर्गत शुक्लेश्वर ग्रामर माँ भगवती मंदिर एवं भद्रेश्वर ग्रामर बाबा वीरभद्रेश्वर मंदिर जहाँकि सोमवंशी नरपति मान द्वारा निर्मित कटकर एक बहु पुरातन प्राचीन कीर्ति तेज आसतु डेरी नक जा प्राचीनतात्विक मंदिर को प्रत्नतात्विक दृष्टिकोण रु विचार कले कटक जिल्लार अन्यतम पुरातन ऐतिह्य कीर्ति हेउची कटक जिला महांगा ब्लक अंतर्गत शुक्लेश्वर ग्रामर प्रभु माणिकेश्वर मंदिर और भगवती पीठ। अनुमान कराए आज कृपाए 1200 वर्ष पूर्वे तत्कालीन उत्कलर भौम्यकर किंबा सोमवंशी शासक माने एही मंदिर निर्माण करथिले। माणिकेश्वर मंदिर संपूर्ण रूपे ध्वंस स्तूपर परिणत होइअछि कहिले किछि अत्युक्ति हेबो नाही। मंदिर परिसर रे देवादेवी मानक भग्न प्रतिमा और कारुकार्यपूर्ण कलाकृति गुड़िक एणे तेणे खेलाई हो पड़ी। भग्न मंदिर एपरि दुर्दशा देखिले स्वतः कौन ऐतिह्य प्रेमी और सनातन धर्मावलम्बी आखिर लुह झरी पड़ स्थानीय लोकों कहवा अनुजाई कलापहाड़ नामक जड़े इस्लामिक आत्मतायीर आक्रमण द्वारा यह प्राचीन मंदिर ध्वंस स्तूपर परिणत हो। प्राचीन उत्कलर बहु पुरातन कीर्तिराजि और ऐतिह्य जेपरी जवन मानक आक्रमण द्वारा विलुप्त हो जाइछि प्रतीत हुए। दिने संस्कृति ज्ञान विज्ञान और दर्शनर गंताघर थिबा माणिकेश्वर शिव मंदिर आज श्मशानर शून्यतारे क्रंदन करुछि। मंदिर पार्श्वर थिबा भग्न शिव मंदिर अपूर्व कला स्थापत्य देखिले जेतिकि विस्मयता प्रकाश पाइथाए सेहिठारे थिबा खंडित नंदी महाराज को देखिले आक्रमणकारी जवन मानक बर्बरता को सहजरे हृदबोध करि हुए सते जेपरि नंदी महाराज कहुचंती हे महादेव ए बर्बरता आउ केते दिन। मंदिरर पार्श्वरे परिक्रमा कले जना पड़े जे अतीतरे मंदिरर चारिकोणरे चारोटी शिव मंदिर थिला एवं संपूर्ण मंदिर परिसर को सुरक्षा देवाई सुदृढ़ प्रस्तर प्राचीर मध्य थिला मात्र बर्बर जवन माने ताकु धूलिसात करि दिछन। निकटरे पड़ी रही भग्न प्रस्तर खंड सते जेपरि प्रश्न पचारुछि हे हिंदू समाज उठ आउ केते दिन सोई रहिब तुम प्राचीन कीर्ति मानकर ए दुर्दशा देखी तुमको लज्जाबोध हेउना कि वास्तविक गोटे जाति पई एहाठार बड़ दुर्भाग्य आउ कौन होई पारे।
ମାଣିକେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମେଲାଣି ନେଇ ଆମେ ବଢ଼ିଥିଲୁ ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମର ବୀରଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ମାଣିକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଅଛି। ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ମୂର୍ତ୍ତିକଳା ଏବଂ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଅଟେ। ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ଖୋଦିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଉତ୍କଳୀୟ ମୂର୍ତ୍ତିକଳା ଆଗନ୍ତୁକମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରିଥାଏ। ହାତରେ ଧନୁ ତୀର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ର ସହିତ ସୁସଜ୍ଜିତ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ଏକ ମନୋରମ ମୂର୍ତ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଅଟେ। ବୋଧହୁଏ ଉତ୍କଳରେ ଏହା କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ବୀରଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର ଅଟନ୍ତି। ନେପାଳର ପଶୁପତିନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରି ବୀରଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ମୁଖ ଆକୃତି ରହିଅଛି। ସଂସ୍କୃତରେ ଏହାକୁ ମୁଖଲିଙ୍ଗମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
वीरभद्रेश्वर शिव मंदिर रही सावित्री और सत्यवानंकर एक सुंदर मूर्ति। प्राचीन कालरे लोक मानू परंपरा सहित जड़ित रखापी मूर्ति कलार एक सुंदर नमूना अटे। वृक्ष मूल में मृत सत्यवान सावित्री कोल में शोई रही देखा जाए। सावित्री और सत्यवान मूर्ति पार्श्वर काल भैरव खंडित मूर्ति सहित चंद्र राहु और केतु आदि देवंर मूर्ति रही अछि। वीरभद्रेश्वर मंदिर रही एक अद्भुत हनुमान मूर्ति। यह मूर्ति हनुमान हाथ में खड़ग एवं मूसल किंबा गदा परी कौन अस्त्र धरी जीव गाड़ी उग्र रूप से नृत्यरत अछन्ति। स्थानीय मान्यता अनुसार यह मूर्ति को महाकाल रुद्र रूपे पूजा कराऊ। हनुमान ए प्रकार रुद्र रूप मूर्ति समग्र ओडिशा विरल अटे। मंदिर अन्य एक आकर्षण हो मंदिर गर्भगृह सम्मुखे नंदी महाराज। स्थानीय मान्यता एवं पूजकों कहवा अनुसार नंदी महाराज संपूर्ण शरीर में 108 घागुड़ी बा घंटी रही अछि। किंतु जिते थर गणिले घंटी गुड़ी कोई सठिक रूपे गणी पारती ना। नंदी महाराज कान दुईटी संपूर्ण रूपे भांगी दि जाइए। कला मुगुनी पथर से या वृषभ शरीर में जवन आक्रमण चिन्ह रही अछि। ठीक से देखिले हाथुड़ी आघात होता फाट स्पष्ट भाव जना पड़ी था। मंदिर प्रवेश द्वार कांथरे बहु पुरातन ओडिया लिपि खोदित होइथिबार देखियापाई मिली। मंदिर पूजकों कहवा अनुसार विक्रमादित्य मंदिर टी निर्माण करिअछन्ति। कालर कराल मध्यरे बहुघात प्रतिघात सही मंदिर कांथरु एही लिपि मलिन पड़गला। पढ़ापी आम चेष्टा करी मध्य विफल होइथिलु। ध्याय नित्यं महिषंग्र जतगिरी निभं चारु चंद्रावतं संरत्न कल्पदलनं परसुमुगु भरावितियस्तं प्रसनं पद्मासिनं समतात चुत ममरगणि व्याघ्रकुटिवसाननं विश्वरं विश्ववंदनिखिलभय हरं भवभय हरं पंचवक्रं ओं नमः शिवाय महारुद्रा श्री श्रीब्रह्मण वीरभद्रेश्वर प्रभु ओं नमः शिवाय प्रभु ब्रह्मण वीरभद्रेश्वर समस्त मनस्कामना पूर्ण करं प्रभु ओं नमः शिवाय। मु भद्रेश्वर सेवक जणे नित्यानंद रावल आउ ये हूँ वीरभद्रेश्वर पीठ। ये बहुत मालिका बनित पीठ बहुत पुरातन सर्वपीठ। ये बार मस तेर जात्रा हुए विशेषकर एठिकार समस्त सेवायत मैंने समस्त पूजा नीति से नीतिकांति ठीक करती। गत किसी दिन तले जो कोरोना चलता से महामारी केवल नीतिकांति चलता सेवा के पूजा बंद है। तेणु भद्रेश्वर बहुत मन मुख लिंग विशेषकर आपण जेकोसी जजमान मैंने आसती मानसिक करने को आसती गुआ टे बसले से निश्चित मनस्कामना पूर्ण होने आसी पुणी गुआ उठा भोगराग करती नीति करती। आउ ये बहुत यज्ञ जात्रा बेले बहुत लोक हमें आम विशेषकर भद्रेश्वर गोटे ओलकोणा मेलन बड़ी पीठ अच्छी पांच कोश दूर से भद्रेश्वर हरिहर दर्शन करा जाती। जो विदुर आम बर मागे महाभारत में हरिहर दर्शन करी से फगु त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा पूर्वदिन चतुर्दशी होता पूर्णिमा आसत से दिन सका भद्रेश्वर जाती हरिहर सब विमान हजार हजार विमान बेले भद्रेश्वर जाती एकम्र विमान जो थे हरि थे हर थे विदुर बर मागे तेनालीरण मेलन हो बहु विशिष्ट आम ओडिशा रे जहाँ कहते प्रथम। तेणु भद्रेश्वर यज्ञ भी नौ दिन जात्रा हुए जगह टाइम महादेव उठे सब प्रकार जात्रा आम दानी जात्रा हो चलती। आउ ठाकुर बहुत महिमा श्रावण मस कि दिन तले गोटे बड़ विराट साप ही कार्तिक मस आगे ठिया होता आम घंटा खंडे क्षीर फीर देलु तापर सी भी आराम से तरह चलीगला। तेणु ठाकुर को आम जीवंता के देखी नु आम अनुभव कलु से दिन ठारूँ भद्रेश्वर पूरा प्रत्यक्ष ठाकुर बहुत दूरा दूरा आसुच्च भद्रेश्वर महिमा बहुत। आउ भद्रेश्वर मुख लिंग मतलब ओडिशा रे बोते आम कौटी देखनु आम बापा जा कहते भद्रेश्वर को डाकिले से वो करती। जदि भी आमर कौन असुविधा पड़े आम प्रभु डाकिदेव आम दुख दूर हो जाए। जजमान मैंने सोमवार संक्रांति भल मंद सब लोक आसती भद्रेश्वर महिमा बहुत। आउ भद्रेश्वर विशेषकर गोटे महादेव जो बासवाप्रद अच्छी तार घागुड़ी अच्छी 108 बड़ी मालिका बनित कि तर के आम गणिया को चाहिए के 108 हो ना। जदि प्रथम काउंट्रे 110 हो जाए 111 हो जाए 112 हो जाए आउ एमती हो पार ना। आउ
ତାପରେ ବାସବଳଦ ଗଲାପରେ ତେଣୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ଗାଁ ମେଳାରେ ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ଯାଆନ୍ତି, ଆମର ଏଠି ଚୂଳମାଳା ଠାକୁରଙ୍କର ଚୂଳମାଳା ଖସେ, ଚୂଳମାଳା ନ ଖସିବା ପାଇଁ ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ମେଳଣ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରାଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଯାଇଛି, ଐତିହାସିକ। ଆମେ ବାପା ଯାହା କହିଯାଉଥିଲେ ଚୂଳମାଳା ଖସିଲେ ଯିବେ, ଏବେ ବି ଚୂଳମାଳା ଖସୁଛି, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଯେବେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଚୂଳମାଳା ଖସିନି, ସେ ବର୍ଷ ବହୁତ ବିଡ଼ମ୍ବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଯାଉଛି। ଏମିତି ହୋଇକି ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ଚାଲିଛି ଯଜ୍ଞ ଯାତ୍ରା, ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାନି ସବୁ ବହୁତ ବାର ମାସରେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଶନି ବି ସପାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଦାତା ଯଜ୍ଞମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ଯାତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ମାନସିକରେ ବହୁତ କାମ ଚାଲିଛି। ଇଏ ପୂର୍ବରୁ କଳାପଡ଼ା ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 1985 ମସିହା ପରେ ଆର୍କିଓଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇ ଯାହାକୁ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଟିକେ ଏଠି କମିଶନ ଇଣ୍ଡିଆମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆକୁ ଟିକେ ନେଇଯାଆନ୍ତା, ଟିକେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତା। ଆମମାନଙ୍କର ଟିକେ ଏତିକି ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଅଳି, କେଉଁଦିନ ଠାକୁର ଚାହିଁବେ ହେବ। ବୀରଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ବହୁତ ଅପାର ମହିମା, ମୁଁ ନିଜେ ଦିନେ ଅନୁଭବ କଲି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥାଏ। କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବସିଥାଏ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫୁଲ ଫୁଲ ସଜେଇ ବସିଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ବାଟମଙ୍ଗଳାରେ ଶୁଣିଲି, ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖିଲି ବାଟମଙ୍ଗଳାରେ ଫୁଲ ଖସିଲେ ଆରତକରଣ ବାବା ଦେଖୁଥିଲେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରୁ ଫୁଲ ଖସିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଯଦି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଖସନ୍ତା, ଗୋଟେ ସଂସାର ସାରା ଦେଖନ୍ତେ, ତୁମ ଫୁଲ ଖସନ୍ତାନି। ଅଧଘଣ୍ଟା ବସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୋତେ କାହିଁ ମୋ ଝିଅ ପୁରା ମନ ଦୁଃଖ ଆସିଲା, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଖସିଲେ ଶୁଣିଲାନି। ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଫୁଲ ପୁରା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଫୁଲ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଖସିଲା, ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ଭାବବିଳ ହୋଇପାରିଲି। ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା। ଆଉ ସେଦିନଠୁ ମୁଁ ଭାବେ ଯଦି ମୋର 500 ଟଙ୍କା ଦରକାର କି 300 ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଠାକୁର ଯେମିତି ହେଲେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଆସି ଯଜମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ମୋର ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ପୁରା ଆମ ପାଖରେ ଏମିତି ଆମ ସେବା ଦେଇ 20-25 ଘର ଆମେ ତାହାଦ୍ୱାରା ଚଳୁ। ଠାକୁର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ। ଠାକୁର ଯେମିତି ସାକ୍ଷାତ ଆମ ପାଖରେ ଯେମିତି ପବନ ଯାଉଛି, ଠାକୁର ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ବହୁତ ଆମର ଅନୁଭବ, ମାନେ ବହୁତ ଏଇ ତ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଠାକୁର ନିଶ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର ମୋ ଦେହରେ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ, ମୂର୍ତ୍ତିରେ, ପଥରରେ, ଜୀବମାନଙ୍କ ଦେହରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଭଗବାନ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।